विश्व इन्वेस्टर सप्ताह के अवसर पर सेबी और एएमएफआई के साथ मिलकर लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम आत्मनिर्भर भारत व्यक्तिगत निवेश की आवश्यकता विषय पर वेबिनार का आयोजन करेगा। 27 नवंबर को शाम 6 बजे से होने वाले इस वेबिनार में आप भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक, लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम के अध्यक्ष वी एन मिश्रा और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आनंद सिंह समेत कई बुद्धिजीवियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो आप भी आज ही फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। इसी के चलते राजधानी लखनऊ में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की सराहनीय पहल देखने को मिली। मिशन शक्ति के तहत रविवार को मोहनलालगंज कोतवाली की कमान 2 घंटे के लिए इंटर की छात्रा सौम्या द्विवेदी ने संभाली। प्रभारी बनी सौम्या द्विवेदी के पास पहुंचे डेहवा गांव के उमा शंकर ने बताया कि उनकी बुजुर्ग मां नन्ही देवी को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। मां की हालत गंभीर है, उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर सौम्या ने दीवान को बुलाकर दुर्घटना करने वाली बाइक व चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी तरह 2 अन्य मामले भी आए। इसके बाद सौम्या ने कोतवाली परिसर का जायजा लिया। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।